हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम बात करेंगे मेंटल मैथ के बारे में। मेंटल मैथ मतलब होता है मैथ की कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग पेन और पेपर करना। और जिन बच्चों को मेंटल मैथ आता है ना, वो मैथ में बहुत परफेक्ट होते हैं, बहुत कम गलतियां करते हैं और बहुत फास्ट फास्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 13 + 49 = 62 विद इन 1/4 सेकेंड बच्चे आपको बोल देंगे अगर उनको मेंटल मैथ अच्छी तरह से आता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ब्रेन में, 13 + 49 = 50 - 1। तो पहले वो 50 ऐड करेंगे 63, फिर इसको माइनस 1 करके आपको आंसर दे देंगे 62। तो इस तरह की कैलकुलेशन वो विदाउट पेन और पेपर अपने ब्रेन में करेंगे और 1/4 सेकेंड में आपको आंसर बोल देंगे। सो ब्रेन को सुपर फास्ट करने के लिए, मेंटल मैथ कैलकुलेशन सिखाने के लिए सबसे सुटेबल टाइम होता है जब बच्चा 5 से 10 साल के बीच का हो। सो बच्चे अगर 5 से 10 साल के बीच के हैं तो आप जरूर उनको मेंटल मैथ स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करवाइए। तो कैसे स्टार्ट करना है, सिंपल वर्कशीट्स के साथ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सैम्पल वर्कशीट है, ये मेरे बेटे की मैथ नोटबुक है। अभी उसका UKG फिनिश हुआ है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाला है। तो ये एक्टिव मैथमेटिक्स की एरो पब्लिकेशन की एक बुक है जो उसके स्कूल में उसको दी गई थी। और यहाँ पे एक सैम्पल वर्कशीट आप देख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, 63 + 21 = 21 + 63। अभी बच्चे ने UKG फिनिश किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो जाने वाला है, उसको ये नहीं पता कि A + B इज नथिंग बट B + A, ये उसको नहीं पता। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि 63 + 21 इज नथिंग बट 21 + 63, ये एक्सप्लेन करने के लिए भी मुझे 4 से 5 मिनट लग गए थे। 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू दिस सिंपल वर्कशीट। मेंटल मैथ के बहुत फायदे होते हैं। मेंटल मैथ से बच्चों का ब्रेन एक्टिव रहता है। सुपर फास्ट कैलकुलेशन करने के अलावा बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट बढ़ता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। और मैथ के प्रॉब्लम्स को जस्ट पढ़कर सॉल्व नहीं करना, समझ के सॉल्व करना बच्चे सीखते हैं, क्योंकि मैथ के फैक्ट्स उनको आ जाएंगे। जैसे कि 20 + 30 = 50, इमिडिएटली वो बोल देंगे कि 20 को 3 10s ऐड करने पर 50 बनता है, या फिर 9 = 10 - 1, 8 = 10 - 2, इस तरह के फैक्ट्स वो सीखते हैं। तो इससे उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ती है, इससे बच्चे मैथ के प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट सॉल्व करना सीखेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मैथ में अच्छा करे, अच्छा परफॉर्म करे, उसका ब्रेन एक्टिव रहे, शार्प बने और उसका इंटरेस्ट भी बढ़े मैथ में, तो आप अगर बच्चा UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तभी से आप मेंटल मैथ की प्रैक्टिस उनको करवा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल वर्कशीट 63 + 21 = 21 + 63, ये फैक्ट उनको आप समझाइए। किसी भी नंबर को 0 ऐड करने पे सेम नंबर आता है, किसी भी नंबर को 1 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आता है, ये 60 + 2 10s ऐड करने पे ये नंबर आता है, इस तरह 43 + 4 = जो कैलकुलेशन वो पेपर पे करते हैं ब्रेन में करना, लाइक 43 इन द माइंड, 4 ऑन द फिंगर, इस तरह फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करना उनको सिखाइए। देन 19 < 29, यानी स्पेलिंग के थ्रू लिखना। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे तो भी उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे 19 < 29, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे लिखना है 98 comes between 97 and 99। हम अगर सिंपली 97-99 देंगे तो बच्चों का ब्रेन इमीडिएटली आंसर बोल देगा 98, के बीच में तो 98 आता है। बट अगर आप इस तरह सेंटेंस में लिख के देंगे ना, तो वो थोड़ा एक्टिव होंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर बोलेंगे। तो इस तरह की सिंपल सी यहाँ पे क्वेश्चंस है, सिंपल मेंटल मैथ वाली क्वेश्चंस है जो बच्चे को शार्प करने में जरूर हेल्प करेंगे, मैथ में उनका इंटरेस्ट जरूर बढ़ाएंगे। तो ये थी सिंपल वर्कशीट। इसके अलावा एक और वर्कशीट मैंने प्रिपेयर की है जो आज मैं अभी अपने बेटे को करवाने की सोच रही हूँ। यहाँ पे इसमें करीब 25 क्वेश्चंस है, सैंपल क्वेश्चंस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप भी आज या कल बच्चे को इस तरह की मेंटल मैथ प्रैक्टिस जरूर करवा सके।
सो अगर आपके बच्चे का यूकेजी फिनिश हो गया है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाला है, या बच्चा अगर सेकंड स्टैंडर्ड में भी है और आपने अभी तक उसको कोई भी मेंटल मैथ वाली एक्टिविटी नहीं करवाई है, तो आप इस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वर्कशीट है टू स्टार्ट विथ, और एक और मैंने बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ट्विस्टेड है, 2 more than 7 is, बच्चे को समझना होगा वॉट इज मोर देन। इसी तरह ऑर्डिनल नंबर है, बिटवीन नंबर्स लिखना है, 2 wives आर टेबल रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल टाइमिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, डैश हैज नो साइड्स शेप रिलेटेड क्वेश्चन है, 80 plus 20 को जब 20 ऐड करते हो तो क्या नंबर आता है, 5 plus 2। अगर आप सिंबल देंगे ना तो वो बहुत आसानी से कर लेंगे, बट एक सेकंड के लिए वो कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के, 5 plus 2। तो टू स्टार्ट विथ इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, और उनको फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर लिखने के लिए जरूर कहिए। सो 100 paise इज इक्वल टू हाउ मच, 4 into 5 इज इक्वल टू 5 into 4, ये कॉन्सेप्ट भी आप बच्चे को समझा सकते हैं। देन एक वर्ड प्रॉब्लम है जो उनको विदाउट पेपर करना है, विदाउट पेपर पे कैलकुलेट करे बिना ओरली उनको करना है। देर आर 9 balloons, 3 balloons फ्लू अवे, फिंगर्स यूज करके वो कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि वो थोड़ा कम टाइम ले, उसको एनकरेज करिए कि कम टाइम में वो इस पेपर को सॉल्व करे। What comes just before 19? Just before. क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे वो। What comes just before 19? 35, जो न्यू स्पेलिंग यहाँ पे उनको न्यूमरल लिखना है, 8 minus 2, सिंबल के बजाय मैंने यहाँ पे स्पेलिंग दी है, What day it is tomorrow? ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ये सारी जो एक्टिविटीज इक्वेशन से बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट मनी रिलेटेड क्वेश्चन है, 10s and 1s, देन ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड करना है, 3 6s आर टेबल रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से हाउ मेनी 10s आर इन 100, 100 में कितने 10s होते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन के थ्रू उनको समझा सकते हैं। विच मंथ बिगिंस विथ n, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 89, 20 plus 5 इज इक्वल टू, इसी तरह से 3 less than 6 इज, यहाँ पे माइनस करना होगा 6 minus 3, सो व्हाट इज लेस देन उनको समझना होगा, तो 3 less than 6 इज हाउ मच। तो ये है क्वेश्चन पेपर मेंटल मैथ का एक एक्टिविटी शीट जो आज मैं अपने बेटे को करवाने वाली हूँ। आई थॉट आपके साथ मैं ये शेयर करूँ सो दैट आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। इस वेकेशन में ये जरूर ट्राई करिए, जो सिलेबस में है वही उसी के रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए। सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो फर्दर स्कूल में सीखेंगे ही, बट मेंटल मैथ में आप खुद घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अपने ओन क्वेश्चंस बनाकर उनको प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मेंटल मैथ के। सो ये था सैम्पल पेपर, और ये है मेरा हैंड रिटन पेपर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसमें 15 क्वेश्चंस है और इसमें मैंने 25 इंक्लूड किए हैं, और जैसे मैंने कहा अगर आपका बेटा यूकेजी फिनिश, आपके बेटे का यूकेजी फिनिश हो गया है फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में भी है, तो ज़रूर आप इस पेपर को उनको करने के लिए दे सकते हैं। टाइम नोट डाउन करिए कि वो कितने टाइम में ये कर रहा है, स्लोली स्लोली उसकी स्पीड इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जितना आप प्रैक्टिस करवाएंगे उतना थरो वो होंगे मैथ में और मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स, हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस।